जनपद के चांदसी नगरी चंदौसी में भारत विकास परिषद शाखा चंदौसी के सौजन्य से सुभाष रोड पर 7 जून से लगातार शीतल जल व ठंडे शरबत का वितरण किया जा रहा था, ताकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। शीतल जल सेवा व ठंडे शरबत का वितरण 12 दिन से लगातार सुबह 7 बजे से शाम तक जारी रहता था। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर शीतल जल सेवा व शरबत वितरण कार्यक्रम का समापन किया गया। समिति की सचिव डॉक्टर दुर्गा टंडन ने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना है, सेवा से जीवन को सार्थकता मिलती है। पुराणों में भी मीठे जल की सेवा का महत्व बताया गया है। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। वीर रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। मैं दिनेश गुप्ता, वित्त सचिव, भारत विकास परिषद चंदौसी शाखा। ये जो हमारे शाखा के बैनर तले पिछले 12 दिन से जो जल सेवा चल रही है, और आज जिसका समापन शरबत वितरण के द्वारा हो रहा है, भारत विकास परिषद के ये सेवा कार्य के अंतर आता है। और हम लोग जो है निरंतर इस मैडम, आज क्या कार्यक्रम है? आज शीतल जल वितरण का समापन समारोह है। यहाँ पर 11 दिन से हम लोगों ने शीतल जल वितरण श्रीमान विपिन गुप्ता जी के नेतृत्व में किया है। इसके पश्चात आज शरबत वितरण एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हो रहा है। आज से ये जल सेवा यहाँ पर समाप्त कर रही है। हमारे भारत विकास परिषद में सेपा प्रकल्प है, जिसके अंतर्गत हम ये सारे कार्य करते हैं। और हमारा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों तक छोटे ही सही प्रयासों के माध्यम से हम समाज के लोगों से जुड़ें और सेवा पहुँचाएं। मैं भारत विकास परिषद का स्थानीय शाखा चंदौसी का नगर संयोजक हूँ, और भारत विकास परिषद के सहयोग से ही मेरे नेतृत्व में ये शीतल जल सेवा चल रही थी अभी 11-12 दिन से, और आज एकादशी